अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा जो है चैप्टर वन कंप्लीट हो गया था केमिस्ट्री का। ठीक, अब जो है हम अपने चैप्टर टू पे आते हैं। चैप्टर टू है हमारा केमिकल कॉम्बिनेशंस एंड केमिकल इक्वेशंस। अच्छा, केमिकल कॉम्बिनेशन और केमिकल इक्वेशन के इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस के बारे में, उनके लॉज के बारे में, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मासेस, डिफरेंट जो लॉज हैं उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक, हम आते हैं अपनी पहली स्लाइड पर, दैट इज़ केमिकल रिएक्शन। व्हाट इज़ अ केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं? जब दो सब्सटेंसेस या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन होकर एक सिंगल सब्सटेंस बनाएं, या फिर दो डिफरेंट सब्सटेंसेस बनाएं, या फिर मल्टीपल डिफरेंट सब्सटेंसेस बनाएं, उनको हम कहते हैं, उस रिएक्शन को, उस चेंज को हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। अब इस केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? फॉर एग्जांपल, दो कोई सब्सटेंस है, हम दो का वो करते हैं, क्योंकि हम अभी बेसिक लेवल पढ़ रहे हैं, तो हम दो सब्सटेंसेस लेते हैं, दो सब्सटेंसेस मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, एक एलिमेंट है आयरन, दैट इज़ Fe, और दूसरा एलिमेंट है Fe मतलब फेरस। आयरन का जो केमिकल नेम है, जो साइंटिफिक नेम आप कहें, जो केमिकल नेम है, दैट इज़ फेरस। तो फेरस कंबाइन होगा ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन गैस के साथ, तो वो क्या बनाता है? FeO3। ठीक, तो आयरन और ऑक्सीजन कंबाइन होके एक अलग डिफरेंट सब्सटेंस बनाते हैं, जिसकी बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, ना तो वो सारी प्रॉपर्टीज़ आयरन, मतलब ना ऐसा है कि FeO पूरा का पूरा आयरन है, ना FeO पूरा का पूरा ऑक्सीजन है, वो एक डिफरेंट, इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ का हामिल एक सब्सटेंस है, जो कि आयरन और ऑक्सीजन से मिल के बना। इसी तरह हम दूसरी एग्जाम्पल ले लेते हैं मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है, तो वो डिफरेंट एक सब्सटेंस बनाते हैं, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। इस मैग्नीशियम ऑक्साइड की भी इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से। ठीक है जनाब? ठीक जनाब, सेकेंड स्लाइड पे आते हैं, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन डिफरेंट लॉज हैं जो के डील करते हैं केमिकल रिएक्शंस को, मतलब उनके अकॉर्डिंगली केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस होते हैं। ठीक जनाब, तो वो डिफरेंट लॉज कौन कौन से हैं? द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कंपोजिशन और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, या लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। ठीक है, तीन लॉज हैं जो जिनको हमने डिटेल में पढ़ना है विद देयर एक्सपेरिमेंट्स वेरिफिकेशन, तो इन लॉज के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला हमारा आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लेवाइजर इन 1785 गेव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अच्छा जनाब, लेवाइजर साहब ने 1785 में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया, जो कि स्टेट करता है क्या? मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड बाय केमिकल चेंज, और इन एनी केमिकल रिएक्शन द इनिशियल मास ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस इज इक्वल टू द फाइनल मास ऑफ द प्रोडक्ट। क्या कहते हैं वो? कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में कभी भी मैटर, कभी भी कोई अलग, मतलब ऐसा नहीं होगा कि मैटर क्रिएट हो या मैटर डिस्ट्रॉय हो जाए। ठीक है, हाँ, वो अपनी फॉर्म ज़रूर चेंज कर लेगा, लेकिन मैटर ना तो डिस्ट्रॉय होगा, ना ही उसके अलावा कोई मैटर बनेगा। या फिर हम इस लॉ को इस तरह भी ले सकते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो इनिशियल मास होता है, जो इनिशियल मास होता है किसी भी सब्सटेंस का, वही जो है फाइनल मास ऑफ द प्रोडक्ट होता है। ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है ना, ये इसमें ये जो जो स्टेटमेंट मैंने आपको अभी पढ़ाई है, द केमिकल द इनिशियल मास ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस इज इक्वल टू द फाइनल मास ऑफ द प्रोडक्ट, यही इसी लॉ की बेसिस पे हम फिर केमिकल इक्वेशंस बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो वही बात है कि केमिकल रिएक्शन में मास जो है, जो रिएक्टेंट के जितना टोटल मास होगा, अगर दो रिएक्टेंट हैं, तीन रिएक्टेंट हैं, तो उनका जो टोटल मास होगा वो बराबर होगा प्रोडक्ट के मास के, चाहे वो कितनी भी प्रोडक्ट्स उसमें से बनी हो, चाहे दो रिएक्टेंट में से तीन प्रोडक्ट बनी हो, तीन रिएक्टेंट में से चार प्रोडक्ट्स बनी हो, कुछ भी हो, लेकिन उन सब का मास इक्वल होगा, आपस में इज इक्वल्स टू होगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के। ठीक है, आफ्टर लेटेस्ट रिसर्च द लॉ कैन बी स्टेटेड एज देयर इज़ नो डिटेक्टेबल गेन और लॉस ऑफ मास इन एन ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन। उसी जो लॉ को उन्होंने फर्दर मॉडिफाई किया कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में, किसी भी ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन में, ठीक है, एक फ्यूजन और फिजन किस्म के भी होते हैं केमिकल रिएक्शंस, उनकी बात नहीं हो रही है, ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन की बात हो रही है जिसमें
कोई भी डिटेक्टेबल गेन यानी कोई भी हासिल नहीं हो रहा और ना ही कोई लॉस हो रहा है मास का। इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब हम इस लॉ की प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन पे आते हैं, दैट इज लैंडॉर्ट एक्सपेरिमेंट। दिस लॉ वॉज वेरीफाइड बाय मैनी एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म बाय एच लैंडॉर्ट। ही वॉज अ जर्मन केमिस्ट। हिज पॉपुलर मोस्ट पॉपुलर एंड द सिंपलेस्ट एक्सपेरिमेंट इज एक्स फॉलो। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि ये जो लॉ था हमारा कि मास जो है वो सेम रहेगा और कोई भी गेन और लॉस नहीं होता मास मैटर में ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, इसको लैंडॉल्ट साहब ने जो है इसको वेरीफाई किया बाय अ सिंपल एक्सपेरिमेंट। क्या है उन्होंने क्या किया, एच शेप जो है इन्होंने ट्यूब ली हैविंग टू लिम्ब्स, दैट इज ए एंड बी। ठीक है, एक लिम्ब ए है जिसको उन्होंने फिल किया AgNO3 सोल्यूशन से, सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन से, और दूसरा क्या है जनाब, अदर लिम्ब उन्होंने फिल किया HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन से। द अपर पोर्शन ऑफ द लिम्ब्स वर सील्ड टू अवॉइड द स्केपिंग ऑफ एनी मटेरियल। अच्छा, इन्होंने क्या किया, दो लिम्ब्स की एक ट्यूब ली, समझे आप एच शेप की इन्होंने ट्यूब ली, ठीक, उसके अंदर एक ट्यूब में इन्होंने फिल किया AgNO3, एक में इन्होंने HCl फिल कर दिया, अपर पोर्शंस लिम्ब के इन्होंने सील कर दिए ताकि जो मैटर है, जो एलिमेंट है, जो कंपाउंड है वो स्केप ना हो सके, बाहर ना निकल सके। बोथ सोल्यूशंस आर कलरलेस। द एच शेप ट्यूब वॉज वेट इन वर्टिकल पोजिशन टू अवॉइड मिक्सिंग। अच्छा, इन्होंने सीधी रखी ताकि मिक्स ना, देन द ट्यूब वॉज इन्वर्टेड एंड शेकन टू मिक्स द टू सोल्यूशन। फिर इन्होंने क्या किया, जब सोल्यूशंस वगैरह डाल दिए इन्होंने शेक किया ताकि सोल्यूशंस मिक्स हो जाए। फिर क्या हुआ जनाब, फिर ये हुआ कि क्या रिएक्शन टेक प्लेस हुआ जब AgNO3 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है आपस में इनका रिएक्शन हुआ, क्या बना हमारे पास, AgNO3 प्लस HCl AgCl प्लस HNO3। ये जो इक्वेशन है इसको डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये आप बाद में पढ़ेंगे लेकिन मैं आपको एक ऐसे ही रफली एक आइडिया दे दूँ। ये जो केमिकल रिएक्शन हुआ, ये जो इक्वेशन बनी, ये डबल डिस्प्लेसमेंट के थ्रू बनी है। बहरहाल तो AgNO3 प्लस HCl इज इक्वल्स टू क्या बना, AgCl दैट इज सिल्वर क्लोराइड प्लस नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड वाइट पिपिटी बनी, ठीक है, नहीं सॉरी सॉरी जो ए जी सी एल है वो वाइट प्रेसिपिटेट होते हैं, नाइट्रिक एसिड नहीं, ए जी सी एल वाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं। तो क्या हुआ जनाब, अब ये हुआ कि जो ए जी सी एल है जो सिल्वर क्लोराइड बना, उसकी जो है प्रेसिपिटेशन की वजह से वो प्रेसिपिटेट्स बन गए। प्रेसिपिटेट्स मतलब वो समझे आप दही जैसे ना प्रेसिपिटेट बन गए और वो थोड़ा सा कर्डी लुक आ जाता है, उसमें दही जैसा लुक आ जाता है। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट्स ऑफ वाइट कलर द एंटायर ट्यूब बिकम वाइट। अब हुआ ये कि जो AgCl की जो फॉर्मेशन हुई उसकी वजह से पूरी ट्यूब जो है वो वाइट हो गई। द रिएक्शन वॉज कम्प्लीटेड बाय शेकिंग एंड इन्वर्टिंग द ट्यूब। एच शेप ट्यूब वॉज वे अगेन इट वॉज ऑब्जर्व दैट द ट्यूब मास ऑफ द सब्सटेंस बिफोर द रिएक्शन वॉज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द सब्सटेंस आफ्टर द रिएक्शन। क्या हुआ, इन्होंने फिर इसको वेट किया, जो ट्यूब थी उन्होंने पहले वेट किया था जब इन्होंने अलग अलग मतलब एक एच शेप ट्यूब थी, इन्होंने एक पार्ट में एच के एक पार्ट में AgNO3 डाला, दूसरे पार्ट में इन्होंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला, जब इन्होंने उसको मिक्स नहीं किया था उस वक्त इन्होंने इसको वेट किया, ठीक है, उसके बाद इन्होंने इसको शेक किया, मिक्स किया, रिएक्शन टेक प्लेस हुआ, सिल्वर क्लोराइड बना और नाइट्रिक एसिड बना, उसके बाद उन्होंने दोबारा उस एच शेप ट्यूब को वेट किया। क्या हुआ रिजल्ट, रिजल्ट ये आया कि जो वेट इनका पहले था ट्यूब का, ट्यूब के अंदर मौजूद तमाम चीज़ों का जो टोटल वेट था वो इस किसके बराबर है, उस वेट के बराबर है जो रिएक्शन के बाद है, मतलब दोनों जो वेट थे वो सेम थे। देयर इज़ नो लॉस और नो गेन ऑफ मास ऑफ द सब्सटेंस आफ्टर द रिएक्शन। यही बात इन्होंने प्रैक्टिकल वेरीफाइड कर दी जो इन्होंने अपने लॉ में बताई थी, इसको प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन हो गई इसकी, ठीक है। अच्छा, अब हम इसी लॉ के अंदर एक थोड़ी सी एक्सेप्शन पढ़ते हैं। एक्सेप्शन थोड़ी सी मतलब थोड़ी सी एक इसी लॉ के अंदर एक चीज़ है जो है कन्वर्जेशन ऑफ मास टू एनर्जी, ठीक है। तो इसमें क्या है कि कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो होते हैं यूरेनियम, जिनके बारे में अभी आपको फिजन फ्यूजन के बारे में जो मैं आपको बोल रही थी कि
ऐसा होता है कि कुछ रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंसेस होते हैं जस्ट लाइक यूरेनियम, ये क्या होते हैं, जब ये केमिकल रिएक्शन करते हैं, जब ये किसी एक्सचेंज के अंडर जाते हैं, तो अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मास इज कन्वेंशनल टू एनर्जी बाय द फॉलोइंग इक्वेशन गिवन बाय अल्बर्ट आइंस्टाइन दैट इन 1906, दैट इज ई इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। होता ये है कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो के मास से एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, जिसको हम फर्दर एक्सप्लेन करते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन की इक्वेशन के थ्रू, दैट इज़ ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ई क्या है, ई इज़ द एनर्जी, एम क्या है, एम इज़ द मास, एंड सी इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट, दैट इज 3:10, 3:10^8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, बाय पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन ए, दैट इज आइंस्टाइन इक्वेशन, वी कैन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी ओब्टेन बाय द कन्वर्जेशन ऑफ मास। दिस चेंज ऑफ मास इन ऑर्डनरी एक्सपेरिमेंट इज सो स्मॉल दैट इट कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय ऑर्डनरी वेइंग टेक्निक्स। वही बात जो मैंने अभी पहले आपको बोली थी कि जो ऑर्डनरी केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना, उसमें ये कन्वर्जन जो होती है मास की इनटू एनर्जी, वो इतनी स्मॉल क्वांटिटी में होती है कि वो आप ऑर्डनरी वेइंग मशीन से या ऑर्डनरी वेइंग टेक्निक से उसको मालूम नहीं कर सकते। तो वो इतनी मिनिमम होती है कि वो नियर टू आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है, वो जो कन्वर्जन होती है मास की इनटू एनर्जी। फिर इसीलिए हमने फर्दर जो मॉडिफाइड फॉर्म हो गई आपके लॉ की, कौन से लॉ की, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की, जो फर्दर सबसे लास्ट मॉडिफाइड फॉर्म हो गई, तो वो ये हो गई कि देयर इज़ नो डिटेक्टेबल गेन और लॉस ऑफ मास इन एन ऑर्डनरी केमिकल रिएक्शन। मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब हम चेंज होता है, कोई भी सब्सटेंस किसी दूसरी फॉर्म में जाता है, तो उसके अंदर कोई भी डिटेक्टेबल, मतलब कोई ऐसा गेन और लॉस ऑफ मास नहीं होता जिसको आप डिटेक्ट कर सकें। हाँ, स्मॉलर वो भी कन्वर्जन होती है मास की इनटू एनर्जी, तो ऐसा डिटेक्टेबल गेन और लॉस ऑफ मास इन एन ऑर्डनरी केमिकल रिएक्शन नहीं होता। तो ये अपडेटेड फॉर्म होगी आपकी लॉ।